कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद रिचा। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट जनरल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सिक्स लेक्चर अटेंड करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने 5 वीडियो बनाकर इसमें डाले हैं, इसके 5 पार्ट्स और मैं डाल चुकी। टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, तो अगर आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तो आपका पूरा जो यूनिट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ और ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट देख के छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ये है, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा, उसके कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि भाई आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं, इसलिए नीड आपकी ये है कि मेरा आपको सजेशन है कि आप पूरा जो लेक्चर है डिटेल में अच्छी तरह से देखिए और उसको समझिए, और जो आपको टॉपिक में दिक्कत लग रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंपीरियर फार्मूला फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट आई थिंक व्हाट इज द इंपीरियर फार्मूला। एन इंपीरियर फार्मूला एंड इंपीरियर फार्मूला represents the simplest whole number ratio of various atoms okay, present in a compound whereas the molecular formula show the exact number of different types of n atoms present in a molecule of a compound let's see। इंपीरियल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जितने वेरियस एटम्स का जो रेशियो होता है उसको एक होल नंबर में प्रेजेंट करता है। जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या होता है कि जो एग्जैक्ट नंबर होता है एटम्स का वही प्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का वैसे 1.008 होता है मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हम सिंपल फॉर्म में जब लेते हैं तो उसको 1 ले लेते हैं। इसी पे बेस्ड आगे मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाती हूं। द कंपाउंड कंटेन्स अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07 ऑफ हाइड्रोजन, 2.47 ऑफ कार्बन एंड 7.65 ऑफ क्लोरीन। मॉलिक्यूलर मास इन 9.8 ग्राम। व्हाट आर द इंपीरियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा कि इसमें परसेंटेज दिया हुआ है 4.0%, 24.2% एंड 71.65%।
क्योंकि अब हम परसेंटेज में ले रहे हैं, तो अगर हम देख रहे हैं तो कंपाउंड का हम यूज क्या कर रहे हैं, 100 ग्रेड कंपाउंड को यूज कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इनका हम परसेंटेज में क्या हो जाएगा, आपका 4.0% आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही आपका 24.27, हम यहाँ परसेंटेज में नहीं लेंगे, अब हम यहाँ ग्राम में, क्योंकि 100 ग्राम कंपाउंड से हमारा परसेंटेज निकालेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इतना कार्बन हो गया आपका। एंड 71.65 क्या हो गया आपका, क्लोरीन हो गया। अब आगे क्या करेंगे, हम एक तरह से टेबल बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो हो गए, ये देखिए, ये जो लिखे हैं मैंने मास लिख रखे हैं पहले से ही, कंपाउंड का मास, कंपाउंड जो होता है हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन, इसका मास 4.07 ग्राम, कार्बन का 24.27 ग्राम और क्लोरीन का 71.265 ग्राम। अब इनका हम मोलर मास या मोल्स वैल्यू अगर निकालें तो मेनली हम देखा था नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास के मोल्स बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इसको हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास में मोलर मास का हम डिवाइड कर देंगे। तो हाइड्रोजन के मोलर मास हो गया 4.07 अपॉन 1.008, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका डिवाइड कर, इसका हो जाएगा 24.27 अपॉन कार्बन का हम देते हैं तो 12.01 ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम आपका, और क्योंकि दोनों वैल्यू ग्राम में है तो इसलिए मैंने सेंटर में ही ग्राम लगा दिया है, ठीक है। इससे से जाएगा 71.65 और अपॉन 35.45 ग्राम। अब इसकी अगर हम निकालें, इसका आ जाएगा 4.04 एंड हेयर इज कमिंग इज 2.021, ठीक है, एंड 2.021। अब इसकी मोल वैल्यू निकालेंगे, मोल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इनमें सबसे लीस्ट अमाउंट का होता है, हालांकि इसमें दो हैं लीस्ट अमाउंट के, लेकिन हम अगर ज्यादा नंबर होते हैं तो देखते हैं सबसे लीस्ट अमाउंट किसका आता है, उसका फिर हम डिवाइड सारे नंबरों में कर देते हैं। हम मोल वैल्यू निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए हम मोल वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, एक मिनट में हाईलाइट से थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। मोल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4.07 में इसको 4.04 में ये वैल्यू चाहिए, इसमें 2.021 का डिवाइड करेंगे, इधर से 2.02 में भी इसी का डिवाइड करेंगे, जो लीस्ट नंबर होता है, कई बार वैल्यू चेंज आती है, तो हमारी दो वैल्यू तो सेम आई है लेकिन हम सब में भी 2.21 का करेंगे। इधर से जब मैंने डिवाइड किया 2 आया, हेयर इज ऑल्सो कमिंग 2 एंड 2 सिंपल रेशियो, सॉरी 1 एंड 1, ठीक है। तो अब इसको हम सिंपल रेशियो में देखो, मोल वैल्यू के बाद आपकी, तो क्या आ जाएगा इसका रेशियो, 2, 1 और 1। अब मैं देखिए यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन का रेशियो दूं, तो हाइड्रोजन का भी हो जाएगा आपका 2, कार्बन का 1 और क्लोरीन का भी 1 रेशियो, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। अब इसका अगर मैं इंपीरियल फॉर्मूला देखूं, ठीक है, इंपीरियल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, क्योंकि कार्बन का 1 है, ठीक है, और उसके बाद हम हाइड्रोजन लिखेंगे CH2Cl, इसका इंपीरियल फॉर्मूला स्ट्रेंथ ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो इंपीरियल फॉर्मूला निकालने के बाद हम इंपीरियल मास निकालेंगे, इंपीरियल मास ऑफ CH2Cl क्या हो जाएगा, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन 12.01, ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई 1.008 एंड प्लस
35.45। अब जब हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी आपकी 49.48 ग्राम। स्टूडेंट इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप का एम्पीरियल फॉर्मूला बनाने के लिए आपके एग्जाम्स में या टेस्ट वगैरह में जो भी आप पहले लिखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि इंपीरियल मास कितना आ गया। आई एम राइटिंग हियर अगेन, इंपीरियल मास इक्वल टू 49.48 ग्राम। ठीक है, एंड आई एम टेकिंग द एन, एन कैसे निकालते हैं, मोलर मास इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इंपीरियल मास। द वैल्यू ऑफ मोलर मास गिवन इन द क्वेश्चन इट्स 98.96 ग्राम, सॉरी हियर आई एम रीराइटिंग एन नॉट टू। ठीक है, मोलर मास इक्वल टू एन मल्टीप्लाई इंपीरियल, दिस अ मिस्टेक, यू कैन चेंज इट, मोलर मास इक्वल टू एन मल्टीप्लाई मास, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ मोलर मास इज गिवन 98.96 एंड हियर इज एन, एन मल्टीप्लाई इट इज द 49.48 ग्राम ऑफ इंपीरियल मास। नाउ एन इक्वल टू 98.96 अपॉन 49.48 दैट इज डिवाइडेड बाई 2, सो द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 2। ओके, सो व्हाट इज द एम्पीरियल फॉर्मूला, देन फॉर्मूला सेम, मोलर फॉर्मूला इक्वल टू एन मल्टीप्लाई इंपीरियल फॉर्मूला। ओके, सो व्हाट इज द मोलर फॉर्मूला, मोलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई CH2Cl। ओके, सो द मोलर फॉर्मूला इज कमिंग हियर, C2H4Cl, हियर इज योर आंसर, मोलर फॉर्मूला इज CH2, लुक एट दैट, C2H4Cl एंड इंपीरियल फॉर्मूला फॉर्मूला इज CH2Cl, दिस इज योर आंसर। ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।